हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल और डॉक्टर राहुल पेट केयर सेज में आपका बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो दिसंबर में डॉग चले जाते हैं उसमें हमें कौन सा फूड खिलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम आज आपको बताने वाले हैं कि पपीज को और जो भी डॉग जो होते हैं अगर दिसंबर में चले जाते हैं तो उनके कौन सा फूड खिलाए ताकि वो जल्दी से फास्ट रिकवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इसी बारे में है। तो फ्रेंड्स, बने रहें लास्ट। सो फ्रेंड, जनरली ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होता है पपीज के फूड कौन सा खिलाया जाए और दूसरी जो होता है इसमें जो डॉग्स होते हैं सब एडल्ट होते हैं उसमें कौन सा फूड खिलाया जाए। तो जनरली पपीज जो देखें जो एक महीने से लेकर दो महीने के होते हैं इसमें दिसंबर बहुत बुरी तरह से लगता है। ठीक है, तो इसमें पपीज को सबसे पहले जो चीज़ जो है आप इसमें लिक्विड डाइट जो होता है मिल्क, आप मिल्क दे सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क अगर नहीं है तो इसमें आप सैमोलक करके यहाँ पर स्पेशली डॉग्स के फूड आते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करना है आपको, जैसे कटोरी में वाटर लेना है, गर्म पानी लेना है और उसमें डाल के आपको सैलड की तरह या आपको फ्रूट्स को देना है। उसके बाद छोटे बच्चों को जो बेबी फूड्स आते हैं तो बेबी फूड्स भी बच्चों को दे सकते हो। छोटे बच्चों में जो फूड जो होता है ये हमें इजीली डाइजेस्टेबल और बहुत जल्दी पेट में जाने के बाद जो पच जाना चाहिए ऐसा फूड हमें देना है। उसके बाद आप जो एप्पल जो होता है एप्पल को आप स्टीम पे नहीं क्या जिसे हम कुकर में लगा के आप उसे बॉईल कर लीजिए। उसके बाद उसका आप पल्प निकाल सकते हैं। पल्प निकल के बाद ये आप डॉग को 3-4 टाइम्स दिन में आप दे सकते हो। उसे एनर्जी भी मिल जाएगी और विटामिन सप्लीमेंटेशन भी इसमें आपके डॉग को इसमें मिल जाएगी। दूसरी चीज़, हमें जो राइस जो होता है राइस एकदम पतला वाला राइस जिसे मांड भी कहते हैं, ठीक है, तो आप ये राइस भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में कर्ड और राइस जो होता है आप कर्ड राइस भी आप यहाँ पर डॉग्स को दे सकते हो। दूसरी चीज़, इसमें जो भी डॉग थोड़े बड़े हो जाते हैं सब एडल्ट होते हैं तो आप सब एडल्ट डॉग जो 3 महीने से लेकर 1 ईयर एंड अबव जो होते हैं उन्हें कौन सा फूड देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है यहाँ पर पपीज और जो भी डॉग्स होते हैं अगर फूड अगर खा रहे हैं तो उन्हें आप वहाँ पर कैंड फूड आते हैं, ठीक है, जैसे रॉयल कैनिंग्स का रिकवरी फूड आता है। ठीक है, तो ये फूड बहुत ही अच्छा फूड होता है। ये फूड देने से आपकी डॉग की रिकवरी फास्ट होती है और ये काफ़ी पैलेटेबल होते हैं और बॉडी में इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, तो आप ये आप आपके डॉग को दे सकते हो। सो कैन फूड इज़ वेरी गुड फॉर योर डॉग्स। ओके, अगर आप ये एफर्ट नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करवाना है, डॉग्स में स्टार्टर करके फूड आते हैं। तो जनरली व्हाट इज स्टार्टर, स्टार्टर में यहाँ पर आपको इसमें हाई प्रोटीन होता है और हाई फैट होता है इसमें, तो ये देने के बाद डॉग को एनर्जी भी अच्छी मिल जाती है और इसमें प्रोटीन मिलने की वजह से डॉग की जो भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि डिसीज से फाइट कर सके ये जल्दी पूरी हो जाती है। तो आप स्टार्टर फूड इसमें आप डॉग को जिसमें हाई प्रोटीन हाई फैट होता है ये आप यूज करते हो। उसके बाद हमें जो भी फूड है यहाँ पर उसमें आप अगर नॉनवेज अगर आपके घर में चल रहा है तो आप इसमें लीवर ऐड कर सकते हो। लीवर बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और ये मल्टीविटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप चिकन लीवर दे सकते हो। उसके बाद चिकन जो होता है चिकन ब्रॉथ यानी आप चिकन मिक्सर में करके पूरी तरह से मिक्स करके निकाल दीजिए। आपको पूरी तरह सूप नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा आप 100 ग्राम अगर आप आपके डॉग को दे रहे हो तो डॉग में रिकवरी इसमें बहुत जल्दी और इसमें फास्ट हो जाती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिश जो होती है, फिश भी पचने में बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है, तो आप इसमें डॉग के लिए आप फिश बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। इसमें आप ट्यूना फिश यूज़ कीजिए या फिर आपको लोकल सोर्स में जो भी फिश है वो आप फिश यूज़ कीजिए और इसमें से जो कांटे हैं आपको अलग से निकाल लेने हैं और आपको डॉग को देने की वजह से इसमें ओमेगा 3 ओमेगा फैटी एसिड भी होता है, मल्टीविटामिन भी होती है और डाइजेशन के लिए बहुत ही इजीली ये पच जाती है, तो आप डॉग को यहाँ पर फिश भी दे सकते हो। तो इस तरह से आपको डॉग को जो भी प्रोटोकॉल है ये आप करवा सकते हो। उसके बाद अगर आपके घर में नॉनवेज अगर नहीं चलता है तो आप उसमें डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कर्ड हो जाता है, उसके बाद आप उसमें पनीर भी ऐड कर सकते हो ताकि डॉग जल्दी से रिकवर। उसके बाद बहुत सारे फूड्स होते हैं जो डिसंबर को होने के बाद डॉग को इम्यूनिटी को अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं, तो उसमें आप बोन ब्रॉथ यूज़ कर सकते हो जिसे हम पाया भी कहते हैं। थोड़े से बॉइल करने के बाद उसमें जो भी रसा निकल जाता है वो आपको डॉग को दे सकते हो, ये बहुत अच्छा होता है बोन्स के लिए और डॉग के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप उसमें दही भी इसमें इनकॉर्ट कर सकते हो। पम्पकिन जो होता है इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर होता है इसमें और डॉग का डाइजेशन इसमें बहुत अच्छा होता है, तो आप उसमें पंपिंग भी इसमें ऐड कर सकते हो। देखिए, डॉग जो खाना बिल्कुल ही नहीं खा रहे तो ऐसे डॉग स्पेशली पपीज़ में डिसीज़ बहुत बुरी तरह लगता है। इसमें नियर अबाउट जो 80% पपीज़ जो होते हैं अगर आप ठीक तरह से उनकी केयर नहीं लेते हो तो पपी हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो इसमें आपको पपी केयर जब भी करवाते हो अगर फूड खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है तो आपको यहाँ पर हैंड फीडिंग करना बहुत जरूरी है। तो आपके हाथ से पपीज़ को पकड़ ही खिलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार लैटर रिकमेंस में चले जाते हैं जो बिल्कुल खाना नहीं खाते, सोए पड़े रहते हैं। डिस्टेंबर का साइन ही वही है, इसमें खाना और पीना डॉग दोनों पूरा छोड़ देते हैं। तो हमें डॉग को यहाँ पर खाना और पीना जो होता है वो अच्छी तरह से रखना है।
इसमें आपको अगर डॉग खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं तो इमिजिएटली आपको डॉग को यहाँ पर ड्रिप लगाना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या कीजिए, आप अपने नियरेस्ट वेट के पास आपको जाके कनेक्शन कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और वहाँ से मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम डॉग को डिहाइड्रेशन के लिए आपको वहाँ पर इसमें आपको डेनिश चलाना होगा, इसमें आरएल चलाना है, ठीक है। अगर मल्टीविटामिन अगर बॉडी में नहीं है तो आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दे सकते हो। उसके बाद इसमें मसल की जो भी ये होती है ग्रोथ होती है काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है, मसल वास्टिंग हो जाता है, बॉडी में से बॉडी वेट काफ़ी कम हो जाता है। इस टाइम पे आपके जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेंगे। इसमें आप एक अमीनो एसिड सप्लीमेंट का सलाइंस आती है, जरूर आप डॉक्टर को देखकर कीजिए अगर वेट अगर पूरी तरह से कम हो जाता है। सो इस तरह से आपको जो भी हमने अभी बताया है ये है डॉग के डाइट के बारे में जो पपीज में, और आपको जो एडल्ट सब एडल्ट में इस तरह से आपको करवाना है। ये करने के बाद आपके डॉग की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके डिस्टर्ब के बारे में कुछ क्वेरीज है तो हमें यहाँ पर इनबॉक्स में कमेंट करके पूछिए, इसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। छोटी बड़ी जो भी चीज़ें होती है हम आपको कमेंट करके आपकी आंसर देने की कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा इशू है आपको तो हमें यहाँ पर टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी कर दें, तो इसके लिए आपको हमें नीचे दिए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप करने के बाद हम यहाँ पर टेलीफोनिक आपका कंसल्टेशन कॉल बुक होगा, उसके बाद आपको इसी तरह से क्यू आर कोड आ जाएगा। तो क्यू आर कोड पर आपको हमारी छोटी कंसल्टेशन फीस जो होती है वो आपको वहाँ पर पेड करानी है। कंसल्टेशन फीस पेड कराने के बाद हम यहाँ से आपको वीडियो कॉल करके आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है घर बैठे ये सॉल्व करवाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।